कृष्णा अभी हम लक्ष्मी नारायण पंच तीर्थ पे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के खेल खेले जाते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कैसे लोग एक बच्चे लोगों को अंदर बॉल में भर के फिर बॉल को छोड़ दिया जाएगा। ये स्कूबा डाइविंग के लिए आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। लोग कैमल राइडिंग का भी आप मज़ा ले सकते हैं यहाँ पे आके। देखिए सुंदर सनसेट अभी होने वाला है। लोग विभिन्न प्रकार के आनंद को खोजने का यत्न कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है आपको दिखाता हूँ कि ये है ऐसे देखिए दुर्वासा ऋषि के श्राप के वजह से ये पूरी भूमि बंजर हो चली है। यहाँ पे अगर आप किधर भी अगर आप खोदेंगे आप कहीं से भी पानी निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको खारा पानी ही मिलेगा, आपको मीठा पानी मिल ही नहीं सकता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ऐसे 5 कुंड है यहाँ पर जो कि समुद्र नदी बाजू में होने के बावजूद भी यहाँ के पानी जो है एकदम मीठी होगी, हाँ दिखाते हैं। आइए देखिए बड़ा जरा पानी दिखाइए ना कैसा है। देखिए पानी निकाल रहे हैं, एकदम मीठा पानी। देखिए देखिए ये पानी, अब ये पानी खारा है क्या? नहीं ना, पानी बिल्कुल खारा नहीं है। ये महाराज ये कौन सा कुंड है? ये भीम कुंड है गोमती नदी का। अच्छा और ये कौन कौन से कुंड से बाकी सब? पांचों भाई के 5 कुंड है यहाँ पे। मतलब पूरे द्वारका क्षेत्र में इससे मीठा पानी कहीं नहीं मिलेगा आपको। और हमेशा पानी रहता है 2400 हमेशा रहता है, पूरे साल भर पानी ऐसे ही मीठा पानी आपको मिलेगा। सूखेगा नहीं कभी, गर्मी कितना भी पड़े कुछ भी पड़े सूख नहीं सकता वो। बहुत सुंदर खुद दीजिए महाराज को दीजिए, बहुत सुंदर। और बताइए महाराज इसके बारे में, और मुझे बताइए इसके विशेष महत्व इसका। हाँ हाँ अच्छा हाँ जानते ही हैं। अच्छा ये 5 नदियाँ जो है एक स्थान पे आके यहाँ बैठी। धन्यवाद महाराज शुक्रिया। तो आइए आज हम उनको बाकी भी कुंडों का आपको दर्शन कराते। तो हमने भीम कुंड देखा, आइए हम दूसरे कुंड को देखते हैं। ये एक अद्भुत अपने में एक चमत्कार है कि किस प्रकार ये देखिए ये जाम्बुवती तीर्थ है कि नदी का ये पानी या जल आपको यहाँ से प्राप्त हो सकता है। बहुत ही गहरा है, आइए आगे दूसरा देखते हैं। तो आपको हम पांचों कुंडों का आपको दर्शन कराएंगे। देखिए कितना बंजर जमीन है, पूरे बंजर जमीन है यहाँ पे, पूरे समुद्र का पानी। लेकिन ये अपने में एक चमत्कार है कि यहाँ का पानी जो है आपको खारा नहीं मिलता। देखो बालू रेत से भरा हुआ पूरा जमीन है और जमीन के बीच में आपको अगर कुछ जगह पे पानी अगर मीठी मिल जाए तो शायद ये पता नहीं विज्ञान की नज़रिए से भी क्या है वो मालूम नहीं, ये विज्ञान को भी शोध करना चाहिए इसके ऊपर। आइए 4 देख लिए, 5 भी दिखा देते हैं आपको। और ये देखिए ये 5वां कुंड, 5वां कुंड है। आइए महाराज जी से बात करते हैं क्या बोलते हैं इसके ऊपर। Thank you.
ये देखिए ऊंट चल रहे हैं। नहीं नहीं महाराज, ये ऊंट रेगिस्तान के राजा हैं, आए बैठ गए, रेगिस्तान के हवाई जहाज हैं। अद्भुत अद्भुत। जय द्वारकाधीश, जय द्वारका।